चार में विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं। तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करता हूं। महाराष्ट्र के सियासी खेल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले गिना रहे थे, लेकिन अचानक महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सरकार में उसी एनसीपी के नेता मंत्री बन गए। यहां तक कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को पार्टी में फूट का इनाम देते हुए उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। इसमें देवेंद्र फडणवीस के कौशल और मास्टर स्ट्रोक की खूब तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ इस समय विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और शरद पवार ने भगवा दल पर कटाक्ष करते हुए इस घटनाक्रम को डकैती कहा, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोग जानते हैं कि सत्ता के लिए कौन किसका साथ दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के संस्थापक और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण लोगों को याद आ रहा है। संसद में करीब 25 साल पहले अटल ने अपने उस भाषण में शरद पवार का जिक्र किया था। कुछ इसी तरह के आरोप जब अटल बिहारी वाजपेयी पर लगे थे। अटल ने 3 मिनट में जो कहा था वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया